बागेश्वर में कपकोट पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल पुलिस के पास बीते दिन फोटो स्टूडियो की दुकान से चोरी का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब चारों आरोपियों को आज अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या है पूरा मामला, आप भी देखिए। कपकोट थाना पुलिस क्षेत्र के भराड़ी बाजार में चोरों ने एक फोटो स्टूडियो में संदेमारी कर लाखों रुपए का माल साफ कर दिया। दरअसल कर्फ्यू के कारण पिछले 10 मई से तारा सिंह कोरंगा की दुकान बंद थी। वहीं बीते शनिवार को जब दुकानदार ने दुकान खोली तो तब उन्हें घटना की जानकारी हुई। आपको बता दें कि चोरों ने पीछे का शटर तोड़कर दुकानों में एंट्री कर घटना को अंजाम दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया, जहां उन्हें एक संबल मिला, जिसको कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने बताया कि दुकान से 3 कैमरे, 20 महंगे मोबाइल, एक कंप्यूटर समेत करीब 10 लाख का सामान चोरी हुआ था। वहीं पुलिस टीम की ओर से कार्रवाई करने पर 24 घंटे के अंदर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अब आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए, कपकोट थाना क्षेत्र में अभी 15 तारीख को एक दुकानदार आए थे और उन्होंने बताया कि उनके दुकान में शटर उठ करके और काफ़ी सामान उनके यहाँ से चला गया है। फोटो स्टूडियो था उनका, हमने तत्काल उसमें FIR दर्ज करी और इसमें टीमों को हमने सक्रिय किया। थाना स्तर पे भी जो है हमारा कांस्टेबल्स और सब लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया। साथ ही साथ हमने इसमें SOG को स्पेशली भेजा था ताकि ये जो है बड़ी चोरी थी, इसको जल्दी वर्कआउट किया जाए। SOG टीम को जो है बहुत अच्छे से लीड किया गया और उन्होंने बहुत अच्छे क्लूज पता किए और 24 घंटे के अंदर ही हमें जो है इसमें क्लू मिलते चले गए और हमने इसमें चार लोगों को पुलिस के उसमें ले लिया है और उनको माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें हमें रिकवरी में लगभग 2,55,000 रुपये का माल बरामद हो चुका है और एक महत्वपूर्ण चोरी थी। और बाद में चोरों से पूछताछ में पता लगा कि वो दुकान में एक आध आदमी पहले से बैठते थे, उनको पूरा आइडिया था दुकान में एंट्री करने का, किस तरफ से आए। फिर उसने अपने 3 साथियों को बुला करके और इस चोरी को अंजाम दिया था। माल में इसमें उनका जो है कैमरा था, काफ़ी महंगा कैमरा था, चूँकि वो फोटो स्टूडियो से संबंधित तमाम चीज़ें थीं। कुछ काफ़ी मोबाइल्स थे उनके, महंगे मोबाइल्स, वो भी बरामद हुए हैं। इसी तरह से CPU है उनका, वो बरामद हुआ है। तमाम इस तरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स उनके यहाँ से गए थे, उसमें 100% हमारी रिकवरी उसमें हो चुकी है। अभी तो जग की जानकारी में पूछताछ में यही पता लगा कि इनका पहला मामला है। ये खाने पीने के शौकीन टाइप के लड़के हैं, जैसा कि अभी तक पता लगा। इनकी आम शोहरत भी ऐसी है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग देख रहे हैं, कुछ और बेहतर होगा। अगर इन्होंने पूर्व में कहीं अपराध किया होगा तो वो भी पता लगा। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।